20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सभी साथियों के साथ में मिलकर महाड़ में 14 तालाब का पानी पीकर सत्याग्रह किए थे और ये कहा था कि ये पानी पीकर हम अमर तो नहीं रह गए, लेकिन ये स्थापित जरूर किया था कि पानी पर हम सबका उतना ही अधिकार है जितना औरों का। मोर्चा किस लिए हो रहा है? पानी के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पानी का आश्वासन दे दिया, हमारे बस्ती में पानी आज तक नहीं है, 20 साल लगभग हो गया। पानी हमको देना होगा, अरे पानी हमको देना होगा। इसी प्रेरणा को मद्देनजर रखते हुए मुंबई की पानी हक समिति ने 20 मार्च 2015 को दादा चैत्य भूमि के यहाँ पर हजारों की तादाद में पानी पर आंदोलन छेड़ा। और जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मेरी बहना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मेरी बहना, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पानी हर गरीब बस्तियों में मिलना चाहिए, पानी पर हम सबका सम्मान हक है। क्या आज भी पानी हर एक को सम्मान हक से मिल रहा है? पानी के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी तक जाना पड़ता है चार केन लेकर के। अगर हम 5 बजे जा रहे हैं तो पानी अगर समय से नहीं मिला तो हमारी ड्यूटी छूट जाती है, पूरी दिन लग जाता है हमको पानी के समस्याओं में पानी व्यवस्था करने के लिए। 5 रुपया केन हमको मिलता है, वहाँ से लाने के लिए इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है कि कभी अगर मान लीजिए साइकिल का चमचा टूट जाता है तो किसी को चोट आ जाती है पानी लाने में। इसके लिए सरकार को चाहिए कि पानी गरीबों को देवे, और गरीब क्या हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, हम भी पैसा देंगे। जब 5 रुपया अगर केन हम वहाँ देते हैं, वहाँ से लाते हैं, हम भी बीएमसी को पैसा देने वाले हैं, हमें चाहिए बीएमसी को कि पानी देना चाहिए। ये गरीब कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे, ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं। घर में रोटी नहीं, साफ पानी नहीं, घर में रोटी नहीं, साफ पानी नहीं, आगे भैया कम उधर भी पानी हक समिति के जरिए हाईकोर्ट ने यह मान लिया है कि हर गरीब बस्ती में पीने का पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, और जब तक जवाब नहीं आएगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुंबई से मैं जुलेखा सैयद, इंडिया अनहर्ड के लिए।